रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में एक रात शब्बे कदर कहलाती है, जो बहुत ही कदर व फजीलत और खैर व बरकत की रात है। इस रात को अल्लाह ताला ने हज़ार महीनों से बेहतर करार दिया है। अगर हज़ार महीनों को सालों में गिना जाए तो 83 बरस और 4 माह बनते हैं। अगर किसी आदमी ने लैलतुल कदर में इबादत कर ली तो गोया उसने 83 बरस और 4 माह की इबादत की। लेकिन ये 83 बरस का अरसा कम से कम है, क्योंकि खैरु मिन अल्फ शहर कहकर इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि अल्लाह करीम जितना ज़्यादा अजर अता फरमाना चाहे उतना अता फरमाएगा। इस अजर का अंदाज़ा इंसान के बस की बाहर है। उसके अता करने का सबब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत पर शफ़क़त और उनकी गमख्वारी है। मौता इमाम मालिक में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनकी उम्मत की उम्रों के बारे में इल्म हुआ और उनको बताया गया कि बनी इसराइल के शख्स ने हज़ार माह तक अल्लाह ताला की राह में जिहाद किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी उम्रों और नेकियों के बारे में ताजुब फरमाया और गौर किया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी कम उम्र के अरसे में साबका उम्मतों के बराबर अमल कैसे करेंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लोगों के लिए दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत इतनी कम उम्र में इस कदर इबादत कैसे करेगी। जब अल्लाह ताला ने आपके दिल को इस मामले में परेशान देखा तो बस आपको लैलतुल कद्र अता फरमा दी, जो हज़ार महीनों से अफजल है। इमाम कुर्तबी लिखते हैं, उसी वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। वो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत के लोग साबका उम्मतों के 80-80 साल इबादत पर रश्क करते हैं, तो आपके रब अज़ वजल्ला ने आपको इससे बेहतर अता फरमा लिया है। और फिर आयत करीमा तिलावत की, इन्ना अनज़लनाहू फ़ी लैलतिल क़द्र। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी के मारे चमक उठा। चुनाता अल्लाह तबारक तआला अज़ वजल्ला ने अपने महबूब के सदके हमको ये अजमतों, रहमतों और बरकतों वाली रात अता फरमाई, और इसमें इबादत करने वाले को 80 नहीं बल्कि 83 साल और 4 माह की इबादत का सवाब अता किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मुकद्दस रात का शर्फ सिर्फ मेरी उम्मत को अता किया गया है, साबका उम्मतों में ये रात किसी उम्मती को अता नहीं की गई। एक बात काबिले गौर है कि इस रात को अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदके उनकी उम्मत को अता फरमाई, तो फिर इस रात को मख्फी यानी राज में क्यों रखा गया। असल में लफ्ज़ मख्फी से मुराद ये है कि एक ऐसी चीज़ के जिसका हमें इल्म तो हो कि वो चंद चीज़ों में से एक है, लेकिन ये इल्म ना हो कि वो कुछ खास चीज़ है कौन सी। जैसा कि अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि शब कदर को रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। अब उन ताक रातों की तरफ इशारा किया गया है जो कि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और फिर 29वीं के रातें हैं, लेकिन उनमें से इस रात की कोई दलील नहीं कि उनमें से आखिर शब कदर कौन सी है। इस रात के मख्फी होने पर कुछ बातें दलील की गई हैं। नंबर एक, अगर उसे मख्फी ना रखा जाता तो अमल की राह महदूद हो जाती और फिर इसी रात के अमल पर जोर दिया जाता, जैसे कि इबादत में कोई कमी ना आए, इसलिए इस रात को मख्फी रखा गया। नंबर दो, अगर किसी इंसान से किसी मजबूरी की वजह से इस मुकद्दस रात की इबादत रह जाती तो शायद उसके सदमे का अजाला मुमकिन ना होता। नंबर तीन,
अल्लाह ताला को उसके बंदे की इबादत और मुनाजात करना बहुत महबूब है, इसलिए इस रात को मख्फी रखा गया, इसलिए कि इस महीने के बाबरकत रातों में मेरा बंदा मेरी इबादत करते हुए इस मुकद्दस रात को तलाश करे। नंबर 4, लैलतुल कद्र को मख्फी रखने का सबब ये भी है कि अगर इस रात के इल्म के बावजूद कि ये रात कितनी अजमत वाली है, अगर किसी इंसान से कोई गुनाह हो जाता तो इस रात में गुनाह करने का भी उसको हिसाब देना पड़ता। बस इन दलीलों से ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने आखिर इस रात को मख्फी क्यों रखा। दोस्तों, इसमें भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत भलाई रखी होगी। बाज़ उलमा के नज़दीक 27वीं शब को शब कद्र होने के बहुत दलील मिलते हैं, क्योंकि इस रात में कुरान मजीद का नुज़ुल होना शुरू हुआ और उसी दिन उसी रात नाजुल होना मुकम्मल हुआ। इसी वजह से 27वीं शब में खासकर मसाजिद में खत्मतुल कुरान की इबादत का खास एहतमाम किया जाता है। अलबत्ते इस बात की किसी हदीस में कोई भी दलील नहीं कि शब कद्र 27वीं शब को ही होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कद्र माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में होती है। शब कद्र की अलामत ये है कि ये रात चमकदार और रोशन होती है। इस रात में चांद की रोशनी उजली और चमकदार होती है। ये रात पुरसकून और गहरी होती है, ना गर्म और ना ज़्यादा ठंडी। इस रात में सितारे तोड़कर नहीं मारे जाते। इसकी सुबह को जब सूरज रोशन होता है तो वो सीधा बराबर निकलता है जैसे चौदहवीं का चांद हो, और उस दिन सूरज के कोई शुआ नहीं होते, और उस दिन शैतान का सूरज के साथ निकलना मना हो जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, ये थी लैलतुल कद्र के हवाले से चंद अहम निशानियाँ और मालूमात। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबाएं, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। उतने तक मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह आपका हाफिज़ व निगहबान। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।